मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्योति सुनवानी आप सभी का नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन खैरागढ़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में वेलकम करती हूँ। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, वेयर टू लुक फ्रॉम, जिसमें हम लोग जो है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है साइड व्यू, टॉप व्यू और जो है फ्रंट व्यू देखना सीखेंगे। देखते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ये ब्रिक्स है, ये वाला है ना, ब्रिक्स मतलब ईंट। तो उसका जो है हमको साइड व्यू और जो है टॉप व्यू दिया है। जैसे ये जो है, लेट अस सपोज ये हमारा ब्रिक्स है ना, तो इसका हमको जो है साइड व्यू कैसे दिखेगा, तो इस तरीके का दिखेगा। तो इसमें देखिए वैसे ही दिख रहा है ना, उसके बाद टॉप व्यू जो है, इसमें अगर कुछ बना रहता तो इसमें कुछ दिखता, जैसे इसमें बना है तो वो इस तरीके का दिख रहा है ना। तो उसी तरीके से हम उसको क्वेश्चन 2 में, 3 और 4 में बता रहे हैं कि ये जो ड्राइंग बना हुआ है वो कौन सा व्यू है किसी ऑब्जेक्ट पे। जैसे ये हम देख सकते हैं कप और सॉसर है, तो उसमें जो है ये कौन सा व्यू होगा, किस तरीके से देखेंगे तब ये ऐसा दिखेगा। तो अगर हम लोग इसको साइड से देखेंगे तब ये जो है इस तरीके का दिखेगा, मतलब ये क्या है, साइड व्यू है, क्लियर। और जैसे अगर हम लोग कप और प्लेट को ऊपर से देखते हैं, टॉप से देखते हैं, तो इस तरीके का दिखेगा कुछ, ये कप, फिर ये प्लेट और उसका वो जो पकड़ने का हैंडल, राइट। तो ये कौन सा व्यू होगा, टॉप व्यू, इस तरीके का। ये जो है एक हट है, झोपड़ी है या फिर घर बोल सकते हैं, तो ये ऐसे देखेंगे तो कौन सा व्यू होगा, ये साइड व्यू होगा या फिर फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट। और अगर इसको हम लोग ऊपर से देखते हैं तो ये कैसे दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। इसको ऊपर से देखेंगे तो मतलब ये क्या है, कौन सा व्यू होगा, ये टॉप व्यू, क्लियर है। अब ये देखिए, ये जो है मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स का जो है अगर हम साइड से देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइड व्यू। और मैच बॉक्स को अगर ऊपर से देखेंगे हम लोग है ना, तो इस तरीके का दिखेगा, उसमें बना रहता है मैच बॉक्स, स्टेज स्टिक्स ऐसे करके, तो कौन सा व्यू हो जाएगा इसका, टॉप। तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट का हमने किस क्या देखा, साइड व्यू, टॉप व्यू और जो है फ्रंट व्यू देखना सीख लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल, यूज डॉट ग्रिड, ड्रॉ द फॉलोइंग, हमको इस डॉट पे यूज करके क्या बनाना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। स्क्वायर कैसे बनता है, ये ऐसे बन जाएगा है ना। तो ये क्या है, इसमें सभी जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल। अब रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, इस तरीके का बन जाएगा रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों सामने वाला सेम रहेगा और ये सामने वाला जो है सेम रहेगा, क्लियर है। अब क्या बनाएंगे, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएगा, ये गलत हो गया, ये इस तरीके का बनेगा। तो हमको जो है डॉट पैटर्न का यूज करके क्या बनाना है, शेप्स बनाने थे इसमें, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। तो आप चाहे तो इसमें जो है रंगोली पैटर्न्स अपना प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हो उसमें, और कुछ भी डिजाइन अपना बना सकते हो। इस तरीके से हमने जो है डॉट पैटर्न सीखा और जो है ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू सीखा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर हाफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ 4 पिक्चर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाय अ डॉटेड लाइन, कलर इच हाफ इन अ डिफरेंट कलर। जो है हमको ड्राइंग बनाना है, जो तो वो तो बन चुका है, तो उसको क्या करना है, हमको हाफ में जो है डिवाइड करना है, जो जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में हो सके। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास जो है ब्रेड है, तो उनको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जो दोनों वो रहेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो
दोनों हाफ, जैसे इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे तो कैसे होगा ये, इसका दोनों जो हाफ है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको क्या कर लेना है, आपको कलर कर लेना है, ये वाला अलग में और ये वाला अलग कलर, अलग अलग कलर में इसको कर लेना है। जैसे ये पत्ती दी है, इसको कैसे काट देंगे, तो अगर ऐसे करेंगे तो हाफ जो है सेम नहीं होंगे, तो हमको कैसे करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, डॉटेड लाइन से हाफ ब्रेक करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये जो है टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी करेंगे तब भी इक्वल होगा, और इस तरीके से भी करेंगे तब भी इक्वल होगा वो। तो इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब ये जो है हमने कुछ पिक्चर्स को ब्रेक किया है, तो आपको भी ऐसा फाइंड आउट करना है अपने आसपास की चीजों में कि आप इसको जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद इसका ड्रॉइंग बनाइए, उसको कलर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर टू है, ड्रॉ देयर हाफ्स। इस जो अल्फाबेट दिए हैं उनको, उनका जो है एक तरफ का बना हुआ है, हमको एक तरफ का बनाना है, क्लियर है। तो जैसे ये क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, मतलब ये हाफ्स में डिवाइड है, उसको हमको कंप्लीट करना है। तो ये बन जाएगा H, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, और ये जो है H बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ये क्या बनेगा, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो ये बन जाएगा O, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा W, इसको करते हैं, ये बन जाएगा T, T बन जाएगा, और ये इसका हाफ हम लोग बनाते हैं, तो ये बन जाएगा A। और अगर इसको करते हैं, ये बन जाएगा B, और इसका हाफ हम लोग ड्राइंग करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा X, और ये बन जाएगा K, और ये बन जाएगा B, और ये क्या बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन में हमने जो है सिमेट्री में ब्रेक करना सीखा, डिवाइड करना सीखा, और इसमें जो है हाफ को बनाना सीखा। तो इस तरीके से आपको करना है मिरर हाफ।